नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल एन सी ए आर टी हिंदी ट्विटर पर तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सिक्स फूड्स वी ईट जो कि लिया गया है क्लास थर्ड सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज बुक लुकिंग अराउंड से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में और साथ के साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करते चलेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर सिक्स फूड्स वी ईट अध्याय छेद खाना जो हम खाते हैं लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी गुड़ कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था आई कु दाल एंड राइस मैंने तो दाल भात बनाया था यस्टरडे नो फूड वॉज हाउस मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी अम्मी हैड कोक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेंट माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई माई मदर कोक्ड फिश आई एट लॉर्ड्स ऑफ इट इट वॉज रियली टेस्टी मेरी माँ ने माछ बनाई थी मैंने खूब खाई बहुत अच्छी थी माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्कस वी एन्जॉय डेटिंग इट मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी सबको खाने में मज़ा आया वट डिड यू ईट यस्टरडे राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो तुमने कल क्या क्या खाया नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखो तो आप यहाँ पे लिखो आपने कल क्या क्या खाया उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट दल द फूड प्लेट अपने अपनी थाली में जो लिखा है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखो क्वेश्चन डिड ऑल द चिल्ड्रेन इन class ईट द सेम फूड आइटम्स yesterday? वाई क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था ऐसा क्यों आंसर नो ऑल ऑफ different फूड आइटम्स इट इज बिकॉज they belong to different families and possibly from different regions you must have noticed that in the picture page 36 there is one child in whose house no food was cooked what could be the reason चित्र में पृष्ठ 36 तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं यह किन कारणों से हो सकता है आंसर देयर कुड बी मेनी रीजंस बिहाइंड दिस मे बी द चाइल्ड्स मदर और हूएवर कुक्स फूड

इन विपुल्स फैमिली देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल eats? विपुल ईट्स के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते जो वह खाता है सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते लेट लेटस रीड अबाउट विपुल्स स्टोरी आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़ें वाइल्ड रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा कौन कौ स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा ही रीच्ड होम एंड आज इज मदर वेयर इज चुटकी आई वॉन्ट टू सी हर भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा माँ छुटकी कहाँ है पहले तो मैं उसे ही देखूंगा हिज मदर रिप्लाइड छुटकी इज इन द रूम ऑफ स्टेयर माँ ने हंसते हुए कहा छुटकी ऊपर कमरे में है विपुल कॉट हिज ग्रैंड हैंड एंड सेट यू ऑल्सो कम अपेयर विद मी दादी का हाथ पकड़कर कहा दादी तुम भी चलो न माँ ने कहा रुको मैं बा की रोटी दाल में डालकर रखी है पहले वे खा तो लें है इन दाल आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगोटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड सेट दादी टू विपुल्स मदर बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना बोलते जा रहे हो दादी ने माँ से कहा आई हैव टेस्टेड द दाल इट हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल रिप्लाइड विपुल्स मदर माँ ने जवाब दिया बा मैंने चख कर देखी है बढ़िया बनी है विपुल अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड अपस्टेस ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया दादी जल्दी चढ़ो ना विपुल ने पुकारा वेन आई वॉज योर एज आई कुड रन अप अ हिल इन द सेम टाइम अपड दादी दादी ने कहा जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़िया तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी विपुल गेव द भुट्टा ही ईटिंग टू हिज हिज मामी हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल छुटके विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग शी इज हंग्री सेड मामी शी सेट डाउन टू फीट छुटकी अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया यह अब ऐसे चुप नहीं होगी इसे भूख लगी है कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गए क्वेश्चन वाई वाज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली दादी सीढ़ियां जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई आंसर बिकॉज शी इज ओल्ड हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद है आंसर दादी लाइक्स टू हैव लिटिल बिट शुगर इन हर दाल हाउ मैनी persons इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा easily एंड वाई कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों आंसर his mother मदर एंड मामी कैन ईट भुट्टा as एज दे आर यंग एंड a स्ट्रॉन्ग टीथ कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते क्यों नो no, old ऑल ओल्ड पीपल आर एबल टू ईट भुट्टा इन ओल्ड एज द टीथ एंड weak.

क्या क्या खा पाते हैं वट दे कैन नॉट ईट क्या क्या नहीं खा पाते चाइल्ड बच्चा राइस दाल ओट्स क्या नहीं खा पाते भुट्टा शुगर कैन यंग जवान वट कैन दे ईट एनी थिंग एडिबल कैन बी ईटन बाई यंग पीपल जो भी खाने योग्य चीज है वे जवान खा लेते हैं ओल्ड बूढ़ा वट कैन दे ईट राइस दाल करी ओट्स वट दे कैन नॉट ईट भुट्टा तो यह खा सकने और नहीं खा सकने की बात क्या हम वे सभी चीजें खाते हैं जो हम खा सकते हैं नहीं ना अब बात करें उन चीजों की जिन्हें हम खाते हैं Put circle सर्कल ऑन things डेट यू eat ऑफन जिन चीजों को तुम ज्यादा खाते हो उन पर गोला लगाओ तो आंसर है राइस व्हीट ये चीजें हम ज्यादातर खाते हैं मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ दीज डिपेंडिंग ऑन वट एट विच प्लेस डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस हमारा भोजन ज्यादातर इन्हीं चीजों से बनता है अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीजों को अधिक खाया जाता है जो चीजें जहां आसानी से पैदा होती है वहां पर वे ज्यादा खाई जाती हैं फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज ईटन मोर पता लगाओ इनमें से कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती है तो ये आप स्वयं कीजिए वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वील्सो यूज द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स फाइंड आउट एंड राइट वट ऑल कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम राइस एंड वीट हम लोग अलग अलग चीज़ें तो खाते ही हैं एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं पता करो और लिखो कि गेहूं और चावल से क्या क्या बनता है वीट गेहूं चपाती हलवा एक, ब्रेड पराठा पूरी राइस चावल इनसे बनता है बिरयानी पुलाव इडली खीर डोसा सो ये रिपीट हो गया पुलाव हाउ मैनी थिंग्स डिड यू राइट सिमिलरली डिफरेंट पल्सेज वेजिटेबल्स फ्रूट्स मीट्स एक्सेट्रा रिटर्न इन डिफरेंट प्लेसेज पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स लेट एस टॉक अबाउट इट क्यों कितनी चीजें लिखीं इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दालें सब्जियां फल मांस आदि खाया जाता है कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं तो कुछ लोग कुछ और अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की लाइक्स एंड डिसलाइक्स पसंद और नापसंद राइट दी नेम्स ऑफ थ्री फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड थ्री डेट यू डिसलाइक उन तीन चीजों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में पसंद हैं और तीन चीजें जो तुम्हें नापसंद हैं लाइक like, पसंद बिरयानी जलेबी समोसा नापसंद खिचड़ी पम्पकिन कद्दू पॉरेज दलिया आर योर लाइक्स एंड सिमिलर टू डेट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स योर फ्रेंड्स क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है या दोस्त की पसंद नापसंद से मिलती है आंसर माई लाइक्स एंड डिसक्स आर सिमिलर टू माई फैमिली मेम्बर्स बट दे आर डिफरेंट फ्राम माई फ्रेंड्स लेट एस टॉक टू समीपल एंड नो वट दे लाइक टू ईट आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है ली चैन आई लिव इन हांगकॉन्ग मैं हांगकॉन्ग में रहती हूँ माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स मुझे और मेरी माँ को साफ खाना बहुत पसंद है वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स वी गो टू अयर बाई होटल एंड ईट लिंग हु फैन जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हु फैन खाते हैं जूनी आई लिव इन कश्मीर मैं कश्मीर में रहती हूँ आई लाइक फिश कोकड इन मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है वंस वी हैड गोन टू गोवा वी एट फिश देयर बट इट एट्स वेरी डिफरेंट एक बार हम गोवा गए थे वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था माई मदर सैड डेट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल इट हैड टू बी डिफरेंट माँ ने कहा अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है स्वाद तो अलग होगा ही थॉमस आई लिव इन केरला मैं केरल में रहता हूँ आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं बोथ ग्रो इन आवर कोर्ट यार्ड वे चीजें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री एंड अदर अंडरग्राउंड एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे इट इज ग्रेट टू इट बॉइल्ड टपोई का विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इट टेस्ट वेरी गुड बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियो का मिल जाए तो क्या मजा आता है वट आर द रीजन डेट डिसाइड वट वी ईट पुट इट राइट ऑन दम ऐड टू द लिस्ट कहाँ क्या खाया जाता है यह आखिर निर्भर किस पर होता है दिए गए कारणों में से तुम्हें सही लगे उस पर सही का निशान लगाओ इसके अलावा जो कारण और हो सकते हैं वे खाली जगह में लिखो वट इज़ इजिली अवेलेबल वहाँ क्या आसानी से मिलता है वट वी कैन बाय क्या खरीद सकते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशन वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं वेदर वी लाइक इट और नॉट वह हमें पसंद या नापसंद हो द फ्रेशनेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड ऑफ सम खाई जाती हैं उन पर सही का निशान लगाओ यदि तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं पता तो शिक्षक से पूछ सकते हो बनाना फ्लावर्स केले के फूल तो ये हम खा सकते हैं ड्रम स्टिक फ्लावर्स सैजन के फूल ये हम खा सकते हैं मशरूम ये हम खा सकते हैं लोटस स्टेम कमल डंडी ये हम नहीं खा सकते hen's एग मुर्गी का अंडा ये हम खा सकते हैं leaves ऑफ अरबी अरबी के पत्ते ये हम खा सकते हैं रेड चूहा ये हम नहीं खा सकते कॉलीफ्लावर गोभी ये हम खा सकते हैं मीट मांस ये हम खा सकते हैं सीड्स ऑफ अनियन कलौजी ये हम खा सकते हैं फिश मछली ये हम खा सकते हैं क्रैप केकड़ा ये हम खा सकते हैं रेड एंड्स लाल चीटी ये हम नहीं खा सकते फ्रॉग मेंढक ये हम नहीं खा सकते ग्रास घास ये भी हम नहीं खा सकते ये गलत लिख दिया मैंने लेफ़्ट ओवर चपाती पिछले दिन की रोटी ये हम खा सकते हैं कैमल्स मिल्क ओठनी का दूध ये हम पी सकते हैं आमला ये हम खा सकते हैं चपाती ये हम खा सकते हैं कोकोनट ऑयल ये हम खा सकते हैं चपाती ये हम खा सकते हैं राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम दैट यू हैव नेवर बिफोर बट फील लाइक ईटिंग खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है आंसर सरसों मस्टर्ड करी चपाती मेड बाय बाजरा फ्लॉर तो दोस्तों हमारा चैप्टर सिक्स फूड वेट यहाँ पूरा होता है आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर और सब्जेक्ट के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बड़ों का आदर कीजिए धन्यवाद